जनाब, अगर आप बच्चों से लगाव रखते हैं और उन्हें मासूम समझकर इग्नोर करते हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि झांसी में एक चोर गिरोह ऐसा है जिसमें छोटे बच्चे हाथ की सफाई दिखाकर माल लूट ले जाते हैं। एक अस्पताल में जो तस्वीरें कैद हुई वह चौंकाने वाली है। शक्ल से मासूम, गंदे से कपड़े पहने अस्पताल में टहल रहे बच्चों को आप बच्चा समझ रहे होंगे, लेकिन जनाब यह आपकी भूल हो सकती है, क्योंकि थोड़ी देर बाद यह लोग जो करने वाले हैं उसे देखकर इन बच्चों से डर लगेगा। दरअसल यह शातिर चोर गिरोह के सदस्य हैं और इन्हें इस तरह ट्रेंड किया गया है कि जब यह आपकी पॉकेट मारेंगे तो आपको एहसास भी नहीं होगा। कुछ यही हुआ था इन महाशय के साथ जो इन दो बच्चों का शिकार हो गए। दरअसल बीते रोज झांसी के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में दो शातिर बच्चों ने काउंटर पर पेमेंट कर रहे एक सज्जन की जेब से 5,000 रुपये मार दिए, जो इन छोटी उम्र के शातिर बदमाशों का शिकार हुए हैं। वह बाहर ओरछा गेट रहने वाले कारी फुरकान रजा हैं, जो मस्जिद पेश इमाम है। वह अपने भांजे की छुट्टी कराने झांसी के डॉक्टर प्रमोद गुप्ता के प्राइवेट नर्सिंग होम में गए थे और जब वह कैश काउंटर पर पैसे जमा कर रहे थे तभी पीछे चहलकदमी कर रहे दो बच्चों ने उनकी जेब से 5,000 रुपये पर हाथ साफ कर दिया। नर्सिंग होम में जब अपनी जेब की तलाशी ली तो पैसे गायब थे, लेकिन तभी उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकलवाए तो दोनों बच्चों की जो खाकी शर्ट पहने थे उनकी करतूत और उनका शातिराना अंदाज सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कुर्ते की जेब से पैसे निकाले और चंपत हो गए। इस घटना की सूचना चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल इन चोर बच्चों की इस करतूत के बाद लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर इन छोटे चोरों के गिरोह का सूत्र संचालक कौन है। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।